हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, सो टुडे हम हमारा चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे कथकली। प्लीज ओपन टू पेज नंबर 22 ऑफ योर बुक एसेंशियल इंग्लिश। पेज नंबर 22 हमें इधर से कंटिन्यू करना है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 कथकली। हमने उसमें पढ़ा था कथकली के बारे में कि वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ है डांस और उसमें मेकअप कैसे कैसे होता है, जो कैरेक्टर्स चेंज होते हैं उनके अकॉर्डिंगली मेकअप कैसे चेंज होता है। नाउ हम पढ़ेंगे स्टोरी का लास्ट पैराग्राफ। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज यूज्ड? देयर आर म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स ऑन द स्टेज to accompany the dancers. The language of the songs used for Kathakali is a mix of Malayalam and Sanskrit. The lead singer controls the entire show with rhythmic drum beats. Different kinds of drums like the chanda and madalam accompany the male characters, while the softer tone of the idaka accompanies the female characters. देखिए, अब हमसे पूछ रहे हैं कि हमने इस डांस का मेकअप देखा, ड्रेसेस देखी, और अब ये पूछ रहे हैं कि इस जो डांस में गाना रहता है, म्यूजिक, वो कौन सा रहता है। सो इसमें क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, हम हमारे म्यूजिक प्लेयर पे म्यूजिक प्ले कर देते हैं, पर इस डांस में ऐसा नहीं होता है। ये डांस जिस स्टेज पर होता है उसी स्टेज के कॉर्नर्स में जो इसके म्यूजिशियंस और सिंगर्स रहते हैं वो उधर ही बैठे रहते हैं। जैसे कि एक स्टेज है, उसके कॉर्नर्स में इस डांस में जो गाना गाएंगे और जो म्यूजिक प्ले करेंगे वो बैठे रहते हैं, और बीच में उनका डांस होता है। और जो इस गाने की लैंग्वेज रहती है, मतलब जिस लैंग्वेज में इस डांस में जो गाना चाहिए रहता है, वो मिक्स रहता है। कौन से लैंग्वेज का? मलयालम एंड संस्कृत। और जो इसका लीड सिंगर, मतलब जो मेन सिंगर रहता है, वो पूरा अपने सुर के अकॉर्डिंगली ड्रम बीट्स को कंट्रोल करता है। मतलब उसके सुर के हिसाब से सारा जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है वो चलते हैं। और जब मेल कैरेक्टर, मतलब जब किसी मेल कैरेक्टर की आवाज चाहिए रहती है, तो उसका ड्रम्स, जो अलग ड्रम्स रहते हैं, उनका नाम रहता है चेंदा एंड मदलम। और जब सॉफ्टर, मतलब थोड़ी नरम टोन चाहिए रहती है ड्रम बीट्स के लिए, जो फीमेल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उस ड्रम्स, उन इंस्ट्रूमेंट्स का नाम क्या होता है? इदका। ओके, ये नाम क्या है उन इंस्ट्रूमेंट्स के जो डिफरेंट रोल्स को पॉइंट करते हैं, हाईलाइट करते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल। कथकली डांसर्स कंसिडर देयर आर्ट अ रिलीजियस एक्टिविटी एंड नॉट एज अ मीन्स टू अर्न मनी। इन ऑर्डर टू कीप दिस एंशियंट आर्ट फॉर्म अलाइव, मेनी स्कूल्स ट्रेन यंग आर्टिस्ट हु परफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। कथकली'स पॉपुलैरिटी हैज इंक्रीज्ड अ लॉट इन द लास्ट फ्यू डेज due to its rich culture and the effort put in by the actors. Recently, stories from other cultures such as those from the Bible and by Shakespeare have also been performed in Kathakali. अब क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो कथकली के डांसर्स होते हैं वो इस डांस को अपनी एक रिलीजियस एक्टिविटी, मतलब एक भगवान के प्रति सेवा मानते हैं, और वो इससे पैसा नहीं कमाते हैं। और क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये 400 साल पुराना डांस है, तो ये इसे लोग भूले नहीं, ये आने वाली जनरेशन भी इसे याद रखे, तो इसको, डांस को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, पूरे जो स्कूल में यंग बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको ये डांस सिखाया जाता है। और पिछले कई सालों से इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है, बहुत सारे बच्चे ये डांस सीखते हैं, ये डांस करते हैं, लोगों को दिखाते हैं,
और हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेज पर पढ़ा था कि डांस में ड्रामा और डांस दोनों रहता है, और मेनली कौन सी एपिक्स, कौन सी गाथाओं का ड्रामा रहता है, रामायण और महाभारत। पर अब रीसेंट समय में 21st सेंचुरी में क्या करा इन्होंने, स्टोरीज ऑफ बाइबल, बाइबल मतलब जैसे हमारा स्क्रिप्चर कौन सा है, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। तो जो क्रिश्चियंस होते हैं, क्रिश्चियंस का स्क्रिप्चर कौन सा रहता है, होली बाइबल। तो इन्होंने अब क्या करा डांसर्स ने, ये होली बाइबल के भी जो लेसन्स, जो चैप्टर्स रहते हैं उनको अपने डांस में इनैक्ट करते हैं। एंड शेक्सपियर, शेक्सपियर कौन है, शेक्सपियर इज अ वेरी फेमस इंग्लिश पोएट, ये एक इंग्लिश के पोएट हैं। इनकी जो स्टोरीज रहती हैं बाइबल की और शेक्सपियर की, ये भी अपने डांस में, कथकली में आजकल दिखाते हैं। ओके सो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर 4। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स, इनैक्ट, इनैक्ट मतलब किसी चीज को करना, किसी ड्रामा करना, किसी स्टोरी को एक्शंस के थ्रू बोलना, उसे हम बोलते हैं इनैक्ट। एपिक्स, एपिक्स मतलब हमारी शास्त्रों की पुरानी कहानियां, उसे हम बोलते हैं एपिक्स। गेस्टर्स, गेस्टर्स मतलब हैंड एक्शन, जैसे ये, जैसे हाथ ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, इसे हम बोलते हैं हैंड गेस्टर्स। फेशियल, फेशियल मतलब अपने चेहरे के थ्रू कुछ कहना, जैसे आंखों को ऊपर करना, आंखों को नीचे करना, आईब्रोज को पास में लाना या ऊपर करना, इन एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। एलैबोरेट, एलैबोरेट मतलब किसी चीज को समझाना डिटेल में। रिदमिक, रिदमिक मतलब किसी चीज का पैटर्न फिक्स होना, रिदमिक हम कब यूज करते हैं, म्यूजिक में, म्यूजिक का रिदम होता है, मतलब पैटर्न रहता है, ऐसा फिक्स पैटर्न रहता है, ऐसा वो ऐसा क्रैक नहीं रहता है कि कहीं से भी कुछ भी चल रहा है, नो, म्यूजिक का एक ऐसा रिदम रहता है, फिक्स, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसकी टोन्स रहती है, उसे हम बोलते हैं रिदमिक। ओके, कमिंग टू दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन वन, कथकली डांस फॉर्म वॉज ओरिजिनेटेड इन केरला ड्यूरिंग द, हमने ये पढ़ा था हमारे चैप्टर के फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट पैराग्राफ, कि कथकली डांस केरला में ओरिजिनेट हुआ था, कौन सी सेंचुरी में, 15, 16 या 17 सेंचुरी में, तो आप इधर टिक कर देंगे। नेक्स्ट, कथकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट्स 4, 5 और 6। देखिए पेज नंबर 20 पर हमको देकर रखा है, कथकली इज सेट टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 फॉर्म ऑफ आर्ट्स। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5, इधर टिक कर दीजिए। द फेसेस ऑफ इविल कैरेक्टर्स आर पेंटेड, हमने पढ़ा था कि इधर कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग मेकअप होता है, तो जो इविल कैरेक्टर्स रहते हैं उनका जो चेहरा रहता है वो कौन सा कलर से करा जाता है, रेड, ग्रीन या ब्लैक। देखिए पेज नंबर 21 पे, द फेसेस ऑफ इविल कैरेक्टर्स लाइक सुरपनखा आर पेंटेड ब्लैक। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक। नंबर 4, कैरेक्टर्स लाइक हनुमान हैव अ डैश बियर्ड, हनुमान जी के कैरेक्टर्स का उधर कौन सा कलर रहता है, व्हाइट। लास्ट, द सॉफ्टर टोन ऑफ द डैश अकंपनीज द फीमेल कैरेक्टर, ये देखिए ये हमने पढ़ा था इधर, द सॉफ्टर टोन ऑफ द इदका, इदका अकंपनीज द फीमेल, अकंपनीज द फीमेल कैरेक्टर्स,
तो इधर आपका आंसर में क्या हो जाएगा, इधर का, इसको राइट कर दीजिए. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, टेक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स. नंबर वन, अ कथकली डांसर्स ट्रेनिंग कैन लास्ट फॉर 8 to 10 years. ये हमने पढ़ा था. देखिए, अ डांसर्स ट्रेनिंग कैन लास्ट फॉर अराउंड 8 to 10 years. इज इट करेक्ट? यस. आप इधर टिक कर दीजिए, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नंबर टू, अ कथकली डांसर नीड्स परफेक्ट कंट्रोल ओवर द फेशियल मसल्स टू एक्सप्रेस डिफरेंट इमोशंस. ये हमने पढ़ा था कि डांस में जो डांसर रहता है वो फिजिकली फिट होना चाहिए और वो अपने चेहरे से डिफरेंट एक्सप्रेशंस को शो कर पाए. सो दिस इज करेक्ट. देर आर 6 मेन रोल्स इन कथकली. इज इट करेक्ट? देखिए, पेज नंबर 21 पे आइए. देर आर 5 मेन रोल्स इन कथकली, नॉट 6. तो यहाँ ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? रॉन्ग. नंबर 4, कथकली डांसर्स कंसिडर देयर आर्ट एज अ मीन्स टू अर्न मनी. इज इट करेक्ट? नो. देखिए, पेज नंबर 22 पे आइए. कथकली डांसर्स कंसिडर देयर आर्ट एज अ रिलीजियस एक्टिविटी. वो इसको एक भगवान की सेवा मानते हैं, पैसे कमाने का जरिया नहीं मानते हैं. तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? गलत. They consider it as a religious activity and not as a means to earn money. Number 5, Kathakali's popularity has increased a lot in last few years. ये हमने पढ़ा था कि कथकली की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और अब कथकली में बाइबल और शेक्सपियर के भी लेसन्स को इनैक्ट करा जाता है. सो इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू. ओके, क्वेश्चन सी हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा.